हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश, और आप लोग मेरे साथ है झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने के लिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं और प्रॉपर झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ये क्लास डेली होती है सुबह 5 बजे, ठीक है? चलिए, और इस क्लास का पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल को आसानी से ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए जानते हैं आप लोगों के लिए कौन कौन सी क्लासेस हैं जो अभी शेड्यूल है। सुबह 5 बजे ये क्लास, जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, ये क्लास सुबह 5 बजे होती है, और इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ये क्लास इसी चैनल पे, यानी झारखंड एजुकेशन हब के चैनल पे ही होती है। उसी तरीके से हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में भी चर्चा करते हैं। जिस तरीके से झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देख रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में भी चर्चा करते हैं सुबह 6 बजे एसएससी टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे। कहाँ पे? एसएससी टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे हम लोग जो भी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, देश दुनिया में जो भी कुछ हो रहा होता है उसके बारे में समझते हैं। तो एसएससी टाइम्स का जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि बहुत ही जल्द वहां पे साइंस का एमसीक्यू का क्लास जो है शुरू होने वाला है। आप लोग अगर देखेंगे तो जेएसएससी एक्साइज कॉन्स्टेबल की बात करें, जेएसएससी सीजीएल की बात करें, दोनों में ही साइंस का सिलेबस जो है वो रखा गया है, साइंस का पोर्शन रखा गया है। तो साइंस का स्पेशल एमसीक्यू का क्लास जो है शुरू होने वाला है एसएससी टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, सब्सक्राइब करना ना भूले। और रात को 9 बजे हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूले। जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक्साइज कॉन्स्टेबल और जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म भरा है, वो रात को जुड़ना ना भूले। रात को हम लोग क्या करते हैं, झारखंड जीके के मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखते हैं। तो रात को 9 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूले, ठीक है? चलिए बात करते हैं आज के इस क्लास की। तो आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं, झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिविजन करने वाले हैं। झारखंड में नए करंट अफेयर्स नहीं है, इसीलिए झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का इस क्लास में रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है? हाल ही में राज्य में जल संरक्षण के लिए कितने रुपए की योजनाओं को शुरू किया गया है? तो जल के संरक्षण के लिए झारखंड में 467 करोड़ की जो योजनाएं हैं उसे शुरू किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जल संरक्षण मतलब जल का बचाव करने के लिए, जल को जमा करने के लिए 467 करोड़ की योजनाओं को शुरू किया गया है। तो 467 करोड़ की योजनाएं जो है जल के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। अब जल का संरक्षण किस प्रकार से किया जाएगा? जल का संरक्षण तालाब बनाकर किया जा सकता है, जल का संरक्षण डोभा बनाकर किया जा सकता है, जल का संरक्षण कुआं बनाकर किया जा सकता है। तो कई चीजों से जल का संरक्षण किया जा सकता है। जल के संरक्षण के लिए झारखंड में 467 करोड़ की जो योजनाएं है वो शुरू की गई है, ठीक है? चलिए, हाल ही में किस कोल कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड को लागू किया गया है? तो ड्रेस कोड को कौन से कोल कंपनी के लिए लागू किया गया है? बीसीसीएल। अगर आप लोग जानते होंगे धनबाद वाले क्षेत्र में बीसीसीएल देखने को मिलता है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। और बीसीसीएल की बात करें, ईसीएल की बात करें, एमसीएल की बात करें, एसईसीएल की बात करें, एनसीएल की बात करें, सभी कंपनी जो है कोल इंडिया की सहायक कंपनी है। तो बीसीसीएल ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के द्वारा अपने इंप्लॉयज के लिए, कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड को लागू किया गया है। और इनका ड्रेस कोड क्या होगा इसके बारे में जानेंगे, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करेंगे मेल्स की, लाइट ब्लू शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक ब्लेजर। फीमेल्स की बात करें, ब्लू सूट और लाइट ब्लू साड़ी, ये है इसका ड्रेस कोड। तो बीसीसीएल के द्वारा ड्रेस कोड को अपने इंप्लॉयज के लिए लागू किया गया है। बीसीसीएल यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड,
कोल इंडिया की ये सहायक कंपनी है, ठीक है। हाल ही में झारखंड के किस वीर शहीद के नाम पर एक द्वीप का नाम रखा गया है? तो झारखंड के परमवीर चक्र सम्मानित शहीद अल्बर्ट एक्का के नाम पर एक द्वीप का नाम रखा गया है, कहां पे? अंडमान निकोबार में। कहां पे? अंडमान निकोबार में। तो परमवीर चक्र सम्मानित शहीद अल्बर्ट एक्का के नाम से अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम रखा गया है, और इस द्वीप का नाम जो है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर अल्बर्ट एक्का की बात करेंगे तो अल्बर्ट एक्का को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। और ये 3 दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उस भारत पाकिस्तान के युद्ध में ये शहीद हो गए थे, इन्हें परमवीर चक्र सम्मानित किया गया था। तो परमवीर चक्र सम्मानित शहीद अल्बर्ट एक्का के नाम से अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम जो है वो रखा गया है, ठीक है। अंडमान निकोबार की बात करेंगे, यहां पे है अंडमान निकोबार, ठीक है, और यहां पे एक द्वीप का नाम अल्बर्ट एक्का के नाम पर रखा गया है। आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम को बदलकर क्या किया गया है? तो प्रेसिडेंट हाउस की बात करेंगे, राष्ट्रपति भवन की बात करेंगे, राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन था या फिर मुगल गार्डन है, उस मुगल गार्डन के नाम को चेंज कर दिया गया है। और मुगल गार्डन के नाम को चेंज करके क्या रखा गया है? तो अमृत उद्यान किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अमृत उद्यान। मुगल गार्डन के नाम को चेंज करके अमृत उद्यान कर दिया गया है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, यह है राष्ट्रपति भवन, और राष्ट्रपति भवन का जो ये मुगल गार्डन देख रहे हैं, इस गार्डन को पहले मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, अब जो है इसके नाम को परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो अमृत उद्यान किया गया है, ठीक है। चलिए, झारखंड के किस जिले में अजीम प्रेमजी मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा? अजीम प्रेमजी मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे तो आपको बताया गया था कि अजीम प्रेमजी मेडिकल कॉलेज जो है कहां पे? रांची में। कहां पे? रांची में अजीम प्रेमजी मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची में अजीम प्रेमजी मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ रांची में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का निर्माण भी किया जाएगा। विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेमजी, विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेमजी के नाम से रांची में एक यूनिवर्सिटी और एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण जो है वो किया जाएगा। अगर आपको पता हो, टाटा ग्रुप के द्वारा रांची में झारखंड का पहला कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है, ठीक है। 300 एकड़ भूमि पर 300 करोड़ की लागत से अजीम प्रेमजी मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय का निर्माण जो है वो किया जाएगा रांची में, ठीक है। तो ये झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिनके बारे में आज के इस क्लास में चर्चा किए, और सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास किए हैं, ठीक है। कल का जो क्लास हुआ था, उस क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में कब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अबुआ आवास योजना का उद्घाटन किया गया है। अब अबुआ आवास योजना की बात करेंगे, क्या है ये अबुआ आवास योजना? तो इसके तहत लोगों को घर दिया जाएगा, 3 कमरों का एक घर, जैसे प्रधानमंत्री आवास है, प्रधानमंत्री आवास में लोगों को घर दिया जाता है, उसी तरीके से अबुआ आवास योजना लोगों को आवास देगी, घर देगी, 3 कमरों का एक घर देगी, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा, अबुआ आवास योजना राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसका जो उद्घाटन है 15 अगस्त को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और आप सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था, ठीक है। देखते हैं आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जानुम सिंह सोई को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, वो झारखंड के किस शहर के निवासी हैं? जानुम सिंह सोई झारखंड के किस शहर के निवासी हैं? क्या होगा सही आंसर?
तो ये जो है झारखंड के कौन से शहर के निवासी है, वर्ष 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो जो भी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए बी सी या डी, आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा और उसके बारे में आप लोग डिटेल में लिखने का प्रयास जरूर करें, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप लोगों से कल के क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।